कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के भारत में अब तक 346 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में 88 और राजधानी दिल्ली में 57 मामले सबसे ज्यादा दर्ज किए गए। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया, ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों को बहुत ज्यादा समय के लिए अस्पताल में रखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। उन्होंने कहा, LNJP में ओमिक्रॉन संक्रमित कुल 34 मरीजों को भर्ती किया गया था, जिनमें से 18 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। डॉक्टर सुरेश ने न्यूज एजेंसी ANI के हवाले से बताया कि अस्पताल में भर्ती सभी मरीज पूरी तरह से वैक्सीनेटेड थे। इनमें से 2 मरीज ऐसे भी थे जिन्होंने इंग्लैंड में रहते हुए बूस्टर डोज तक लगवाई थी। उन्होंने कहा, उनके अस्पताल में एयरपोर्ट से रोजाना 15 से 18 संदिग्ध लोगों को लाया जा रहा है। डॉक्टर सुरेश ने कहा कि ओमिक्रॉन के ज्यादातर संक्रमित ठीक हो गए हैं और उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है। इसके मरीज में अब तक किसी तरह के गंभीर लक्षण नहीं देखे गए। ओमिक्रॉन के 90% मामलों में ना तो कोई लक्षण था और ना ही उन्हें किसी उपचार की जरूरत पड़ी। हमने उन्हें आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया और उनकी लगातार निगरानी की। देश भर में ओमिक्रॉन के अब तक 346 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। महाराष्ट्र में 88, दिल्ली में 57, तेलंगाना में 24 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। ओमिक्रॉन की चपेट में आए अब तक 100 से भी ज्यादा लोग रिकवर भी हो चुके हैं। कोरोना का नया संकट उभरता देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को सतर्कता और सावधानी रखने की सलाह दी थी। पीएम मोदी ने अधिकारियों को केंद्र की टीमें कम वैक्सीनेशन, ज्यादा प्रभावित और कम स्वास्थ्य सेवाओं वाले राज्यों में भेजने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा, देश भर में COVID-19 के हालातों की समीक्षा की गई है, खासतौर से ओमिक्रॉन पर नजर रखी जा रही है। हमारा ध्यान अब स्वास्थ्य सेवाओं को ज्यादा बेहतर बनाने की ओर है, साथ ही टेस्टिंग, ट्रेसिंग और फुल वैक्सीनेशन कवरेज पर ध्यान दिया जा रहा है। पीएम मोदी ने अधिकारियों को जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए अच्छी संख्या में पॉजिटिव सैंपल INSACOG लैब्स भेजने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को टेस्टिंग तेज करने के लिए कहा गया है ताकि समय रहते रोकथाम और उपचार किया जा सके। वहीं दक्षिण अफ्रीका में पहली बार ओमिक्रॉन की पहचान करने वाली डॉक्टर एंजेलिके कोइत्सी ने मंगलवार को कहा कि उनके देश में ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीज सामान्य इलाज से ही रिकवर हो रहे हैं। यहां संक्रमण का पता लगने के बाद मरीजों को कोर्टिसोन और या फिर इबुप्रोफेन जैसी दवाइयों की हल्की डोज दी जा रही है ताकि मरीजों को मांसपेशियों और सिर दर्द से राहत मिल सके। इसमें ऑक्सीजन या एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं पड़ रही है। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।